और ये हमारा गोश्त भुनना तैयार हो चुका है बिल्कुल। ये देखें खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। हाँ सुभान अल्लाह माशाल्लाह बहुत भी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम सादा गोश्त भुनना बनाने जा रहे हैं, आपको बनाकर दिखाते हैं जो घर के अंदर बनाया जाता है। ये भुना गोश्त कैसे बनता है और इसके कौन कौन से मसाले डालते हैं और ये कैसे बनाया जाता है। घर के अंदर सारा मिक्स बनाया जाता है, बाकी हम और तरीके से बनाकर आपको दिखाते हैं ये कैसे बनता है। चलते हैं हम इस कढ़ाई की तरफ। अल्लाह रहमान रहीम, ये हमने 1.5 किलो गोश्त लिया है। ये हमने 1.5 किलो गोश्त के अंदर डाल दिया कढ़ाई के अंदर। इसके अंदर पूरे हमने टमाटर नहीं डालने, ये थोड़े से डालने, एक आध टमाटर भी डाल दो और पूरे प्याज भी नहीं डालने, इसके अंदर भी ये थोड़े से प्याज डाल दो और कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ ये खाली नमक डालना, कितना आधा चम्मच। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये पानी डालेंगे, अब हम चूल्हा जलाएंगे इसके नीचे। अब हम इसको बिल्कुल बंद करके खड़ा कर देंगे। और घंटे 1.5 घंटे तक ये जो है ना हमारा गोश्त गल चुका होगा। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं जो कैसे बनाए जाते हैं, बाद मिलते हैं घंटे 1.5 घंटे के बाद। ये हमारा गोश्त बिल्कुल पानी सूख चुका है माशाल्लाह, ये बहुत भी ज़बरदस्त बन चुका है। अब हम इसको बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर तेल, अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं भुने गोश्त का। ये हमने 1 चम्मच अदरक और लहसुन, इसको हमने इसके अंदर पहले हल्का भी भून लें। अब हम डालेंगे ये टमाटर, ये रहने के लिए साबित धनिया हमने ले लिया था, ये साबित धनिया डाल रहे हैं। और ये हल्दी 1 चम्मच, और ये कसूरी मेथी, ये धनिया का पाउडर है, आधा चम्मच धनिया का पाउडर है, और ये लाल मिर्ची और कसूरी मिर्ची का पाउडर। और ये कुटी हुई मिर्ची,
और ये नमक, ये हमने पहले भी डाला था, आधा चम्मच ये नमक डाला और ये हमारा गरम मसाला आधा चम्मच। अच्छे तरीके से इसको भून लेना, के अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इंशाल्लाह आप ऐसे बनाकर खाओगे, बहुत भी मज़ा और बहुत लुत्फ उठाओगे, बहुत मज़ा आएगा खाने में। बोले भाई वाकई भुना गोश्त बनाया है। और इतना भूनना है जो इसका तेल जो है ना ये अलग निकल आए। ये हमारा मसाला भून चुका है, अब हम जो गोश्त ये निकाला था अब ये गोश्त डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छे तरीके से इसको भून लेना और जो गोश्त के अंदर पानी हो वो भी खुश्क हो जाए और वो मसाले का पानी चूस ले, फिर इसका खाने का मजा आएगा। माशाल्लाह ये देखें, ये हमारे भुना गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है। बाद में इसको बंद करते हैं। हम आप चूल्हा बंद कर रहे हैं, हमारा ये बिल्कुल भुना गोश्त तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये हमारा गोश्त भुना तैयार हो चुका है बिल्कुल। ये देखें खुशबू बहुत मजे की आ रही है, हाँ सुभान अल्लाह, माशाल्लाह बहुत भी अच्छा। और हमारी आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबा दें।